स्टोरी ऐसा था कि शोकले इनवाइट किया था कि परफॉर्म करना है। जब वहां पे पहुंचे कोई तो टीवी का कंटेस्टेंट था आई थिंक, हमको वहां से परफॉर्म करने से मना कर दिया। हम लोग बोले आए तो गा के जाएंगे, भले से पब्लिक के लिए नहीं कर पाए लेकिन अपन स्ट्रीट पे तो साइफर करेंगे। और आज वही जगह पे बड़ा सा किंग ऑफ द स्ट्रीट एल्बम का पोस्टर लगा है, तुम कभी बता नहीं सकते कि लाइफ कहाँ से कहाँ निकल जाती है। जितना ड्रीम था कमाना उतना भरता टैक्स में, माँ बाप बड़े प्राउड, बेटा करता रैप है। बेटा क्या करता है? एंडोफिल अपना एरिया है, भूलने जाए तो ये अपना 8 माइल है। लोगों को इधर भीड़ भाड़ मगजमारी दिखती है, पर अपने को इधर दिखता है आर्ट। वो अपना हुड है, जो भी डायलॉग थे, स्लैंग्स वैंग सब कुछ, सब मेरे को एंटोविल से आई है। जो स्ट्रीट बोलता है मैं वो लिखता हूँ, तब जाके मैं उन लोग से रिलेट कर पा रहा हूँ। और स्ट्रीट की जो बातचीत लिख लिख के बंटाई को फेम मिला है, तो मुंबई का स्लैंग सिर्फ स्ट्रीट में नहीं पूरी दुनिया भर में फैल गया। मैं मेरी पब्लिक चिल करते थे बेटा छपरी पे, वही ये लड़का जो बलेला ब्रांड, किस किस को तकलीफ है, ये बोलते थे स्लैंग मेरी नहीं चलेगी क्योंकि ये। मैं कोई प्रमोशन नहीं करता हूँ, वो एग्जांपल बनना चाहता हूँ उन आर्टिस्टों के लिए कि भाई अपना कला इतना भारी करो और इतना पावर लेके आओ अपने आर्ट पे, कंपनीज भी आपको सपोर्ट करे, आपके साथ आए। तो आज मैं अकेला इंडिपेंडेंट इंडियन हिप हॉप में आर्टिस्ट हूँ जिसने 200 से ज्यादा म्यूजिक वीडियो खुद के जेब से खर्चे करके अपने पंटर अपनी पब्लिक अपने शूटर लोग के साथ बना के डाले। लो उसमें कि नहीं सब लोग इधर पे क्या शॉट बंटा है और बंटा वाले याद है ना, हाँ फिर से आगे ले। आप क्या बोलते कंपनी कमाई ले बहुत पनी, इनको लग रहा सारे बन रहे अगले लग रहे बहुत पनी, आप अच्छा ले मत कर आए बाप उन कट्टर 37 70 17 तक पहचान है। क्या बोलते कंपनी कमाई ले बहुत पनी, इनको लग रहा सारे बन रहे अगले लग रहे बहुत पनी, आप अच्छा ले मत कर आए बाप उन कट्टर 37 70 17 तक पहचान है। पूरा मुंबई एक है, बाकी हर जगह पे एक ठेक है, हर दिन डायलॉग बन रहे हैं होस्ट पे। क्या बोलते तो 10 साल हो गया स्ट्रीट्स पे हासिल करते हुए, बहुत उतार चढ़ाव सब देखे ले भाई लाइफ में है ना, तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना। छोटे छोटे बच्चे जो हिप हॉप म्यूजिक सुन रहे, ये लोगों को एक सही दिशा देना है मुझे, तो बच्चे लोग जो सुनते हैं वही करेंगे बड़े होके। तो ये एल्बम में मैंने वही रखा हो कि भाई छोड़ डाला, माँ को पसंद नहीं था सिगरेट भी छोड़ डाला, लफड़े झगड़े छोड़ डाला, एड़े चारे छोड़ डाला, मारा मारी छोड़ डाला, जो भी कर रहा हूँ सब छोड़ डाला। रैपर होना मतलब फूकना पीना भलते नशे करने वाला शॉट नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्रीट में आप हो तो अपनी लाइफ को बदल के अपनी लाइफ को कैसे आगे लेके जा सकते हो, वही चीज इस एल्बम में रख के बंटाई ने वापस से पब्लिक को दिया है। सबको यही एक मैसेज दूंगा, कुछ भी नामुमकिन नहीं है भाई, नामुमकिन वाला कुछ अपने डिक्शनरी में आता ही नहीं नामुमकिन वाला शॉट, क्योंकि पूरा इंडियन हिप हॉप पूरा गेम को अपन अभी अपने हाथ में कर दे लिया हम लोग। तो खुद पे भरोसा कर, जो हासिल करना सब हासिल कर सकते। तो एल्बम आ गया किंग ऑफ द स्ट्रीट्स। खेला ही मैं सब पे पड़ रहा भारी, पूरी इंडस्ट्री खेला बंडाई जी रे लाए है पॉप। खेला ही मैं सब पे पड़ रहा भारी, पूरी इंडस्ट्री खिलाफ बंडाई जी रे लाए है पॉप। खेला ही मैं सब पे पड़ रहा भारी, पूरी इंडस्ट्री खिलाफ बंडाई जी रे लाए है। जब मैं बोलूं हिप तो तुम बोलो हॉप, बोलो हिप हॉप हिप हॉप। जब मैं बोलूं हिप तो तुम बोलो हॉप, बोलो हिप हॉप हिप हॉप। तो किंग ऑफ द स्ट्रीट कोई भी बन सकता है, आज मैं कल भी मैं या फिर तू कोई भी बन सकता है। पूरा रैप गेम कब्जे में कर रहा हूँ कब से मैं, इंडिपेंडेंट मना क्योंकि जीना नहीं था बक्से में, मेरे ऐसा कोई नहीं आज बोलता हूँ हक से मैं, किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप पहुंचा नहीं यहाँ तक लक्से में। किंग ऑफ द स्ट्रीट्स।